हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ थ्री स्टेप हेयर कट। तो थ्री स्टेप हेयर कट कैसे करते हैं पूरा आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, फाइनल लुक एंड में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो इस तरीके से मैंने बालों को अच्छे से गीला करके सुलझा लिया है। बालों को जब भी आप कोई कटिंग कर देते हो तो गीला करके अच्छे से सुलझाना जरूरी होता है। आईब्रो के आज से आपको हेयर को इस तरीके से पार्टीशन करनी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। उसको ऊपर तक सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री पे कॉम करके लेके जाओगे। अच्छे से कॉम करना है, कहीं से भी ट्रायंगल वगैरह मतलब उलझन नहीं रहनी चाहिए बालों में। अच्छे से सुलझा लेंगे उसके बाद से। अभी मैं आपको ऊपर का दिखाती हूँ कैसे करना है। तो इस तरीके से लेके जाना है स्ट्रेट। एंड ये देखिए कैमरे में थोड़ा सा ऊपर करें ताकि आपको अच्छे से दिखे। वो मैं अपने स्टूडेंट को बोल रही थी कि थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए कैमरा। ये देखिए इस तरीके से पकड़ा है, देन इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ पे कट करेंगे। ओके, कट करने के बाद इस तरीके से नॉचिंग लगाना जरूरी है जिससे लेयर्स आपकी परफेक्ट दिखती है। अब हम लोग ऊपर का जो स्टेप है उसको ऊपर की तरफ ही अटैच कर देंगे और फिर सेकंड लेयर लेंगे। तो इसको मैंने ऊपर की तरफ ही इस तरीके से लगा दिया है। अब अगेन कॉम लेंगे और इसको इस तरीके से सेंटर से बालों को लेंगे। नीचे से थोड़ा सा हेयर इस तरीके से छोड़ देंगे जिससे कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कटिंग के बाद से बहुत कम ना दिखे, क्योंकि स्टेप कट में हमारे बाल बहुत ज़्यादा कट जाते हैं इधर उधर से, लेकिन लेंथ कम नहीं होती है, प्यारे लगते हैं ये बहुत ही। इस तरीके से ऊपर की तरफ कॉम करके ले जाएंगे और जो हमने पहले कट करके ऊपर की तरफ हेयर को सेट किया था उसमें से एक लेयर ले लेंगे जिससे कि हमको गाइडलाइन मिल जाएगी। इस तरीके से एक लेयर निकाल रही हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने निकाल लिया, इससे हमको गाइडलाइन मिल जाएगी। अगेन उसको ऊपर की तरफ ही सेट करके छोड़ देंगे बालों को। अब जैसे हमने पहले लिया था हेयर को सेम उसी तरीके से ले लेंगे और स्ट्रेट अगेन 90 डिग्री पे लेके जाएंगे हेयर को और कट करेंगे। तो इस तरीके से कॉम कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से करने के बाद से ये देखिए गाइडलाइन हमारी ऊपर दिख रही है आपको। अब उसी के अकॉर्डिंग जितने एक्स्ट्रा हेयर है उनको कट कर देंगे। अब कैंची को सीधा रख के इस तरीके से कट लगाएंगे पूरे बालों में। तो इतने अच्छे से हमारे लेयर्स एंड स्टेप दिख रहे हैं बालों में। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करना है। उससे पहले हम लोग यहाँ से भी एक लेयर निकाल लेंगे जिससे कि कटिंग करने में के लिए हमको गाइडलाइन मिल जाए। अब यहाँ से इस तरीके से हेयर को लेंगे। ओके, अगेन ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे बालों को। तो स्टेप कट आप इस तरीके से कर सकते हैं। इनके बाल बहुत लंबे नहीं हैं, शॉर्ट ही हैं, तो उतने में ही ज़्यादा लेंथ कम नहीं करनी थी, 2-3 इंच तक कट करके और जितना शॉर्ट है इनका हेयर उतने में ही सारे स्टेप देने थे। फिर से गाइडलाइन को देखते हुए एक्स्ट्रा हेयर को कट कर देंगे। तो इस तरीके से कट कर दिया, आप देख सकते हो कितने अच्छे से ले आ रहा है। नीचे का हमने अभी कट नहीं किया है, जो आप सोच रहे होंगे कि गाइडलाइन वगैरह, तो उसको लास्ट में कट करेंगे जिससे कि परफेक्ट शेप आए जो हम चाहते हैं। देखिए बहुत अच्छे से हमारा स्टेप दिख रहा है पूरा। अब हम लोग अच्छे से कॉम करेंगे। तीनों स्टेप हमारी कट हो चुकी है। इस तरीके से आपको भी कट करना है। बाल सूखने के बाद से सारे लेयर्स एकदम प्रॉपरली दिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से सेंटर से मांग निकाल के सारे बालों को अच्छे से कॉम करेंगे। अच्छे से कॉम करने के बाद से अभी हम लोग का नीचे का जो पतला हेयर दिख रहा है इनको कट करके अच्छे से कट करेंगे यू शेप में। तो यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से कॉम कर लिया है हमने। कॉम करने के बाद से पूरे बालों को अच्छे से सुलझा लिया है एंड अच्छे से कॉम करके साइड से जो ये एक्स्ट्रा हेयर देख रहे हैं इनको कट करते जाएंगे और यू शेप में कट कर देंगे पूरे बालों को। ओके, इस साइड से मैंने कट कर लिया। दूसरे साइड का दूसरी साइड से ही कट करेंगे। कस्टमर को बोलिएगा सिर सीधी रखने के लिए, तिरछा ना करें क्योंकि हेयर कट भी फिर तिरछी हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा कटिंग हो चुका है। अब आप चाहो तो बीच में एक कट और लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि स्टेप जो है वो बहुत अच्छे से आएंगे और लेयर लेयर बहुत अच्छे से दिखेंगे। अगर आपको इतने में ही रहने देना है तो आप इतने में छोड़ सकते हो। सिर्फ नीचे नीचे स्टेप चाहिए तो आप इतना ही कट करके छोड़ दीजिएगा, बट आपको पूरा ऊपर से नीचे तक कट चाहिए, स्टेप चाहिए, तो आप थोड़ा सा एक लेयर और कट कर लीजिएगा। कैसे करना है वो मैं बता दे रही हूँ। तो आपको इस तरीके से कॉम कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से भी अगर आप रखते हो तो काफ़ी प्यारा लगेगा। पहले मैं यहाँ पे इसको ब्लो ड्राई करूँगी, उसके बाद फिर वो कट लगाऊंगी।
यहाँ पे मैंने ड्रायर ले लिया है सॉरी ड्रायर को अच्छे प्लग में लगा दिया है। एंड आप चाहो तो पूरा बालों को सुखाने के बाद से भी ब्लो ड्राई कर सकते हैं, 80% तक सुखा लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा गीला होना चाहिए नहीं तो अच्छे से नहीं आएगा। बट मैंने पूरे गीले बालों में ही कर दिया था, बाद में सुखाया था मैंने। अब पहले ब्लो ड्राई से पहले मैंने यहाँ पे इस तरीके से हेयर को लिया है और यहाँ पे बीच से एकदम क्राउन एरिया से हेयर को लेना, स्ट्रेट ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। अब इस तरीके से कॉम करने के बाद से 2 इंच ऊपर तक, मतलब 2 इंच तक आपको हेयर को कट कर देना है सेंटर से, यहाँ से इस तरीके से। इससे क्या होगा कि बीच में भी पूरे स्टेप अच्छे से दिखेंगे। अगर क्लचर लगाना है, ओपन बाल रखने हैं तो इस तरीके का कट जरूर लगाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा स्टेप आ गया है अभी बालों में, वाह। अभी आपको देखिए आप क्लचर भी लगाओगे तो भी बहुत प्यारे से आपके स्टेप प्यारे दिखेंगे, पोनी बनाओगे तो भी दिखेंगे। तो अभी यहाँ पे ब्लो ड्राई करते हैं अच्छे से, बालों को एकदम कॉम कर लेंगे और जैसे हम लोग पोनी बनाते हैं उसी तरीके से पूरे बालों को कॉम करेंगे। कॉम करने के बाद से यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है ब्लो ड्राई करने वाला, इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और सारे बालों को इसके अंदर फंसाते हुए इस तरीके से कॉम कर लिया है, इसको ओपन किया है, सारे बालों को इसमें लपेट दिया है इस तरीके से और इसको इसी तरीके से पकड़े हुए ही इस पर ड्रायर मारेंगे। मैंने यहाँ पे गीले बालों में किया था सिर्फ आपको समझाने के लिए, बट आप बालों को 50-80% तक सुखा लीजिएगा, उसके बाद ये करिएगा तो आपका जो लेयर है वो काफ़ी अच्छे से दिखेगा। और स्टेप वो 5 से 10 मिनट तक मैंने सिर्फ 2-3 मिनट मारा था यहाँ पे ड्रायर, आप 5 से 10 मिनट तक मारिएगा, उसके बाद से थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा बालों को, उसके बाद ओपन कीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपके स्टेप वगैरह दिखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से मैं ड्रायर को लगा रही हूँ। सॉरी बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा, मेरा माइक जो है वो ख़राब हो गया है तो मैं ऐसे ही आवाज़ एडिट कर रही हूँ यहाँ पे। तो ब्लो ड्राई मैंने यहाँ पे ड्रायर मैंने अच्छे से मार लिया है, इस पर ड्रायर से बालों को 5 से 10 मिनट तक इस तरीके से सुखाना है। मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट नहीं किया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इस तरीके से घुमा घुमा के आपको पूरा सुखाना है। ओके देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है, मैं इसको 2-3 मिनट तक अगेन छोड़ेंगे सूखने के, बहुत गर्मी थी तो मैं यहाँ पे पसीने अपने पोंछ रही थी, प्लीज़ डोंट माइंड एंड इग्नोर इट। अब इसको अच्छे से सूखने मत थोड़ा देर तक रखेंगे ऐसे ही 2-3 मिनट तक, ताकि जो हमने ड्राई किया था वो थोड़ा ठंडा हो जाए। तो ये देखिए पास ला के मैं दिखा रही हूँ, उस तरीके से कच करके देखना है, उसमें जब आप ओपन करोगे तो बहुत अच्छे से अच्छे लेयर्स वगैरह दिखेंगे। बट यहाँ पर मैंने गीले ही रखे थे, अभी भी हमारे लेयर्स काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं यहाँ पे। बट आप सुखा के करोगे तो बहुत अच्छे से प्रोफेशनल की तरह आपके लेयर्स आ जाएंगे। तो ये है फाइनल रिजल्ट हेयर कट का। अभी मैंने पिक्स ली थी बाद में बालों को पूरा अच्छे से सुखाने के बाद, फिर इसकी ब्लो ड्राई उसकी पिक भी एंड में डाली हुई है तो देख लीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा कट आ गया, तो आप इस तरीके से स्टेप कट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और क्लचर लगा के मतलब बहुत अच्छा सा आपको लुक आ जाएगा बालों को, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करते शॉर्ट करते तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको नहीं चाहिए था ज़्यादा पास इसलिए मैंने नहीं कट किया ज़्यादा। देख लीजिए कहाँ से क्लियर दिखाई। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे सारे कट दिख रहे हैं, पोनी बनाएंगी तो भी अच्छा लगेगा, ये क्लचर के साथ भी अच्छा लगता है, अगर कोई फ्रंट हेयर स्टाइल करके क्लचर लगाती है तो भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल पे हेयर स्टाइल की बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ हैं आपको, तो आप देख सकते हो भी जाके। तो ये तो हो गया हमारा हेयर कटिंग कम्प्लीट, और फाइनल लुक क्या आया था वो भी दिखा देती हूँ, तो जाइएगा नहीं पूरा एंड तक देखते हो आपको फाइनल लुक भी दिख जाएगा यहाँ पर। इसे कॉम करने के बाद भी सारे लेयर्स हमारे प्रॉपरली दिख रहे हैं। तो कैसा लगा गाइस आपको हेयर कट, आई होप पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, ये बाद का पिक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हेयर कट की वीडियो जैसे ही कस्टमर, अगर कोई कस्टमर मान जाता है वीडियो डालने के लिए, तो मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी, नहीं तो डमी वगैरह पे डालते रहूँगी। आपको कौन सा हेयर कट देखना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सेकेंड चैनल पर जरूर जाइएगा, प्रीत तिवारी 2 सेकेंड चैनल का।